जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, ग्रामर जब से हमारा स्टार्ट हुआ, हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत इसके बारे में डीप ना जाते हुए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, डायरेक्टली हम टू द पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, कितने टेंस होते हैं। टेंस आपके एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट टेंस, एंड थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। अब इसके भी फोर फोर पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस इज ऑफ फोर टाइप्स, पास्ट टेंस इज ऑफ फोर टाइप्स, एंड फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो ऑफ फोर टाइप्स। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस का जो टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, एक्टिव से पैसिव, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए, इसका रूल क्या होता है बनाने का। तो सिंपल सेंटेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर कोई सेंटेंस आप देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल जो सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि जो आपका कर्म है, वो आ जाता है सबसे पहले, ऑब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके पहले आ जाता है आपका इज, एम या आर, वो होता है कर्म के अकॉर्डिंग, इज एम आर प्लस आपका आएगा। ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस चाहे आप किसी भी टेंस का बनाते हो, किसी भी उसके टाइप्स का बनाते हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इज एम आर के साथ आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन आएगा आपका बाय प्लस ये जो सबसे स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट यानी कि करता है वो आ जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का, ये है आपका फॉर्मूला। अब आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक सेंटेंस के हिसाब से। जैसे सपोज बॉय, अ बॉय मेक्स अ नॉइस। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए, यहाँ पे अ बॉय क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, मेक्स क्या हो गया यानी कि आपका ये हो गया वर्ब, और नॉइस क्या है आपका, ये है ऑब्जेक्ट। तो अब चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नॉइस, और नॉइस, नॉइस। अब बताइए यहाँ पे नॉइस जो है इसके साथ इस एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, अ नॉइस इज। अब मेक्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक्स का थर्ड फॉर्म होता है मेड, अ नॉइस इज मेड। फिर आपका आ जाता है यहाँ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका आ जाएगा बाय, बाय। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो लास्ट में आएगा वो हो जाएगा अ बॉय। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, अ नॉइस इज मेड बाय अ बॉय, मतलब यहाँ पे हिंदी क्या निकल रही है, लड़का शोर करता है, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, शोर किया जाता है लड़के के द्वारा। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। आता है आपका सब्जेक्ट प्लस आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज, एम या फिर आर। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका क्या लगता है, आईएनजी लगता है। देन होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एक्टिव वॉइस में।
अब अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला, जैसे कि आपको आपको पता है कि सबसे पहले क्या आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर तो होगा ही, इज एम आर, और याद रखिएगा इज एम आर के साथ आ जाता है बी, बी देन आपका यहाँ पे वर्ब के साथ जो आईएनजी लगा हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी आप सेंटेंस का, किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की आ जाती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका बाय प्लस, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक लड़की गाना गा रही है। तो अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले ये क्या है, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, अ सॉन्ग आपका सबसे पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग के बाद बताइए क्या आएगा इज एम आर में से, इज एम आर में से आ जाएगा इज, अ सॉन्ग इज, अब सिंगिंग यहाँ पे क्या है वर्ब की सॉरी वर्ब के साथ आई एन जी जो लगा हुआ है, अगर हम सिंगिंग का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसका थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैम, सम, थर्ड फॉर्म होता है सम, सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकेंड फॉर्म इज सैम एंड थर्ड फॉर्म इज सम, सॉरी। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं अ सॉन्ग इज, तो हमारा पैसिव वॉइस में बनाते वक्त इज एम आर के साथ बीइंग भी आता है, तो अ सॉन्ग इज बीइंग, अब थर्ड फॉर्म बताइए सिंग का क्या हो जाएगा, सम, अ सॉन्ग इज बीइंग सम बाय, अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा अ गर्ल। तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय अ गर्ल। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो थर्ड टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का, वो हो जाता है सपोज सब्जेक्ट आपका होगा प्लस हैज या हैव, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आप देख लीजिए हैज हैव जो है वो भी रहेगा आपका हैज या हैव, उसके साथ हैज और हैव के साथ एड हो जाता है बी, हैज और हैव के साथ क्या ऐड हो जाता है बीन, अब बीन हैज हैव के बाद क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी यहाँ पे और किसी भी पैसिव वॉइस का जब हम बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी प्लस बाय प्लस सबसे की स्टार्टिंग में क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये होता है आपका पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, यहाँ पे देख रहे हैं आप हैज लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है जैसे क्या है अ लेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर। अब बताइए क्या आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हैज आ जाएगा अ लेटर हैज, अब हैज हैव के साथ यहाँ पे बीन बीन ऐड होता है, तो हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटन ऑलरेडी है तो रिटन ही होगा has been written, इसके बाद क्या आता है आपका by, अब यहाँ पे he देख रहे हैं आपका subject, तो he जब इसका हम object के रूप में जब use करते हैं he को, तो यहाँ पे हो जाता है him, him, he का change हो जाता है him में, a letter has been written by him,
ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव बनाने का फॉर्मूला। तो और सबसे जो लास्ट टेंस होता है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये थ्री टेंस जो है आपके प्रेजेंट टेंस के, जिसका कौन सा था पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन्हीं तीन टेंसेस का प्रेजेंट टेंस में बनता है पैसिव वॉइस। और मैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस का जो आपके रूल्स एंड फॉर्मूला एग्जांपल जो है मैं अपलोड करूंगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।